जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं रासायनिक बंध का भाग तीन बार्नहावर चक्रीय प्रक्रम। बच्चों इस बार्नहावर चक्रीय प्रक्रम से न्यूमेरिकल आता है, आंकिक प्रश्न आता है और ये आपको जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं बार्नहावर चक्रीय प्रक्रम। बार्नहावर चक्रीय प्रक्रम का उपयोग किसी भी आयनिक ठोसों की जालक ऊर्जा ज्ञात करने में होता है, जैसे NaCl, KF, MgO, AlCl3। आपको पता है कि NaCl, KF, MgO, AlCl3 जो यहाँ पे लिखे हैं ये आयनिक ठोस हैं, यानी कि ये बने हैं हमारे आयनों से। तो जब मैं बात करूं KF की या NaCl की, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के आयन, एक धनायन है और एक ऋणायन है। तो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर एक मोल NaCl या एक मोल KF बनाने के लिए जो इसके अभिकर्ण है वो आपस में जुड़ेंगे, आयनिक बंध बनाएंगे। तो यहाँ पे NaCl में Na धनायन है और Cl ऋणायन है। KF की बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम धनायन होगा और F ऋणायन होगा। मान लीजिए ये आपका F जो है ऋणायन है और मान लीजिए जो ये है आपका K धनायन है। हम लोग KF आयनिक ठोस की बात कर रहे हैं। इन पर विपरीत आवेश है तो ये एक दूसरे को तीव्रता से आकर्षित करेंगे और एक दूसरे से तीव्र आकर्षण बल यानी आयनिक बंध के द्वारा बंध जाएंगे। तो ऐसे क्या होते हैं, इसके अवयवी धनायन और अवयवी ऋणायन आपस में जुड़ते रहेंगे और तब तक जुड़ेंगे जब तक कि एक मोल ठोस ना बन जाए। आप जानते हैं जब भी कोई बंध बनता है तो उसमें मुक्त ऊर्जा होती है। किसी भी आयनिक ठोस के एक मोल बनाने के लिए उसके अवयवी कणों के जुड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कहलाती है जालक ऊर्जा। क्या आप क्लियर है, क्रिस्टल जालक ऊर्जा कहते हैं। तो आइए जानते हैं एक मोल आयनिक ठोस बनाने के लिए उसके अवयवी धनायनों व ऋणायनों, अभी स्पष्ट किया था आपको, जी हाँ, उसके अवयवी धनायनों व ऋणायनों के संयुग्मन से मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, जालक ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह आयनिक क्रिस्टलीय ठोस उतनी ही सरलता से बनेगा और उतना ही स्थायी होगा। अब मान लीजिए आपके पास दो ठोस हैं, एक हमारा NaCl है, एक हमारा AlCl3 है। Al की जो जालक ऊर्जा है वो 739 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है और जो हमारा AlCl3 दूसरा ठोस हमने उदाहरण लिया हुआ है उसकी 5000 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है जालक ऊर्जा। अब सवाल ये है कि NaCl और AlCl3 में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस सरलता से बनेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि किस क्रिस्टलीय ठोस की, किस आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है और किसका मान कम है। तो आप देख पा रहे हैं AlCl3 की जालक ऊर्जा का मान 5000 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है और ये 739 के आसपास होता है। तो आप देख पा रहे हैं कहां 5000 और कहां 739, बिल्कुल AlCl3 की जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है तो ये सरलता से ही बनेगा और अधिक स्थायी भी होगा। बार्नहावर प्रक्रम हैस नियम का पालन करता है, अर्थात किसी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का एक मोल बनाने में मुक्त जालक ऊर्जा का मान सदैव नियत रहेगा, चाहे वह एक पद में बने, एक अभिक्रिया से बने या अनेक पद यानी कई अभिक्रियाओं से बने। ध्यान रखिएगा, तो बार्नहावर ये कैलकुलेशन ही में यूज करना है आपको, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने जरूरी है। बच्चों आइए बच्चों अब लेते हैं बार्नहावर चक्रीय प्रक्रम में प्रयोग होने वाले पद या परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन क्या होगा, अभिकारक की आणविक अवस्था का गैसीय परमाणु अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रहेगा ठोस या द्रव अवस्था से गैसीय परमाणु अवस्था में परिवर्तन। तीसरा रहेगा गैसीय परमाणुओं का धनायनों व ऋणायनों में परिवर्तन। और चौथा रहेगा धनायनों व ऋणायनों का संयुग्मन, जैसे KF का निर्माण। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनके बंध टूट जाते हैं और पुराने बंध टूटने के बाद नए बंध बनते हैं। तो दो काम होते हैं बच्चों, पहले पुराने बंध टूटेंगे और फिर नए बंध बनेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब बंध टूट जाएंगे अणु के अंदर तो परमाणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ये आपको स्पष्ट है। और फिर आपको उन गैसीय परमाणुओं का परिवर्तन करना है आयनों में, धनायन और ऋणायन में, और फिर धनायन और ऋणायन जो आपको प्राप्त हुए हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और उनके जुड़ने से बन जाएगा नया आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तो ये पद हमको चार पद हो गए। पहले पद में आपको ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने अभिकारक लिया है, चाहे वो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था, फर्क नहीं पड़ता।
आपको उन तीनों के जो बंध है वो बंध तोड़ने हैं, और अभिकारक के बंध टूटने से आपको प्राप्त करने हैं गैस से परमाणु। अगले स्टेप में क्या करना है आपको कि ये जो गैस से परमाणु हो गए उनको धनायन और ऋणायन में परिवर्तित कर लेना है। तो आपको धनायन और ऋणायन मिलेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे और से मिलेगी आपको जालक ऊर्जा। ये बच्चों ज्ञात करते हैं जालक ऊर्जा केएफ ठोस के लिए। जितना भी अभी तक हमने अध्ययन किया, जितने भी हमने पॉइंट पढ़े थे, उन सभी पदों को, उन सभी परिवर्तनों को प्रयोग करने का समय आ चुका है। आपको जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है केएफ की जालक ऊर्जा ज्ञात करें। तो केएफ बनाने के लिए आपको एक मोल केएफ बनाना है। तो बच्चों जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब एक मोल ही होता है। तो एक मोल केएफ आयनिक क्रिस्टल ठोस बनाने के लिए आपको के और एफ टू का रिएक्शन कराना पड़ेगा। के और एफ टू की जो अवस्था होती है, के की ठोस अवस्था होती है और एफ टू गैस ही गैसी अवस्था मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक मोल बनाना है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको के एक मोल के साथ में एफ टू का भी एक मोल लेना पड़ेगा। इसलिए हमने हाफ का यहाँ पे आधे का गुणा किया हुआ है। क्या ये आपको स्पष्ट है? तो आइए, केएफ बनाने के लिए यहाँ पे दो पद प्रयोग किए गए हैं। एक पद तो सीधा है, एक रिएक्शन एक अभिक्रिया तो सीधी है कि के सॉलिड और हाफ एफ टू गैस की अभिक्रिया करा दी जाए और उससे बन जाएगा एक मोल केएफ ठोस। लेकिन जो आप देखें यहाँ पे ये विभिन्न पद विभिन्न अभिक्रिया दिखाई गई है, इन सारे पदों से भी जाके एक मोल केएफ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे हम लगाते हैं हैश लो। बच्चों यहाँ पे आप पहले देख लें हो क्या रहा है कि के सॉलिड को हमने परिवर्तन किया है, के गैस पे हमने जाना था कि यहाँ पे करते क्या है कि जो भी आपको विकारक मिला है उसको आप परमाणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित करेंगे। तो हमने जब के सॉलिड को हम के गैस परिवर्तन करेंगे तो वहां पे हमको कणीकरण ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। कणीकरण ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी ठोस को गैस से परमाणु में परिवर्तित करती है। इसको एच ए से शॉर्ट में दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने F2 गैस लिया हुआ है, लेकिन ये आणविक अवस्था है, अणु अवस्था है, तो हमको ये परिवर्तित करना है गैसीय परमाणु अवस्था में। तो गैसीय अणु को गैसीय परमाणु में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा की जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसको बोलते हैं वियोजन ऊष्मा। क्या क्लियर है आपको? उसको बोलते हैं वियोजन ऊष्मा। तो यहाँ पे इसको एच डी से दिखाते हैं बच्चों। अगला जो स्टेप दिया बच्चों, यहाँ पे के गैस परमाणु को के धनायन में परिवर्तित किया हुआ है, और के पर किसी परमाणु को धनायन में परिवर्तित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको बोलते हैं आयनन ऊष्मा या आयनन ऊर्जा। इसको आई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने एफ गैस परमाणु को एफ ऋणायन में परिवर्तित किया है, और यहाँ पे इस प्रक्रम में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ पे एफ गैस परमाणु परिवर्तित हो गया है एफ ऋणायन में। क्या आपको स्पष्ट है? अब देखिए यहाँ पे धनायन भी है, के धनायन और एफ ऋणायन भी है, ये आपस में बनाएंगे आयनिक बंध, और ये सारे गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन आपस में संयुग्म करके बना देंगे आपका एक मोल केएफ ठोस। और एक मोल केएफ ठोस जो बना है हमारे अवयवी के धनायन और अवयवी ऋणायनों के संयुग्मन से, यहाँ पे जो ऊर्जा परिवर्तन होगा, जो ऊर्जा आपको मुक्त होगी, वह ऊर्जा कहलाती है जालक ऊर्जा, जो उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग जालक ऊर्जा ज्ञात करेंगे उसका तरीका ये होता है कि इस सीधे पद में जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है वह इन अनेक पदों में जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है उन दोनों का योग जो है वो बराबर होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा, ये हमारा एक सूत्र तैयार हो गया, ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया बच्चों। यहाँ पे ये विभिन्न ऊर्जाओं के मान दिए जाएंगे और वो सब देने के बाद आपसे बोलेगा कि यू का मान ज्ञात करें, अर्थात जालक ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो क्या ये आपको स्पष्ट है? तो यहाँ से अगर यू का मान निकालना चाहेंगे तो डेल एच के मान में से ये सारे मान का योग जो है आपको माइनस करेंगे तो आपको डेल यू मिल जाएगा। आइए आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। आइए बच्चों प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे के एफ की जालक ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। ये यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में जो आपको एक मोल के एफ बनाना है उसके लिए विभिन्न ऊर्जाओं के मान दिए हुए हैं।
जो ज्यादा ऊर्जा ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जो हमने अभी पढ़ा था, तो यहाँ पर हमको ये सारी वैल्यू रखनी है और यू का मान निकालना है। यहाँ पे विभिन्न ऊर्जाओं के मान रखने से आपको यू के मान मिल जाएगा, तो यू हमारा जालक ऊर्जा होगा। देखते हैं किसका आंसर क्या आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखिएगा। माइनस में इसका मान आएगा, तो बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका मान जो है वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि ये ऊर्जा मुक्त होती है। ये आपको बताया था कि जब आयन जुड़ते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका मान ऋणात्मक होगा, ध्यान कीजिएगा। तो देखते हैं किसका मान क्या आता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ रसायन माला में, पढ़े पढ़ाए और लाइव बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।